राज्य में लगे राष्ट्रपति शासन को चैलेंज देते हुए हरीश रावत द्वारा नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें आज हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए 31 मार्च को विधानसभा में बहुमत साबित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने 9 बागी विधायकों को भी बहुमत परीक्षण में भाग लेने के निर्देश दिए हैं, जिससे राज्य में दोबारा सरकार बनने की उम्मीद नजर आ रही है। हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य में सरकार बनने को लेकर विभिन्न प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं। इन हालातों में अभी यह स्पष्ट कह पाना बेहद मुश्किल होगा कि किस पार्टी की सरकार बनेगी और किस पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी।